इसमें क्या फॉल्ट है इसको हम जानते हैं दोस्तों। इसमें ये टीवी पे कोई भी स्क्रीन पे कोई भी लाइट नहीं आ रहा है, कोई भी मतलब पिक्चर नहीं आ रहा है, डिस्प्ले नहीं आ रहा है। और इसको जब हम ऑन करते हैं तो इसमें आवाज़ आती है गूं गूं पू पू, इस तरह की आवाज़ आता है, हमिंग आता है, और टीवी ऑन नहीं होता, स्क्रीन पे कुछ भी रास्टर नहीं आता है। तो ये फॉल्ट दोस्तों कौन से कंपोनेंट के ख़राबी से है, कौन सा सेक्शन इसका ख़राब है, इसको इस वीडियो में हम देखेंगे। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए, वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना दोस्तों। तो दोस्तों आपने देखा इस तरह से इसमें हमिंग आ रहा है, इस तरह से साउंड आ रहा है और टीवी ऑन नहीं हो रहा है। तो चलिए दोस्तों इस टीवी को हम खोलते हैं और रिपेयर करते हैं, इसमें क्या कंपोनेंट्स ख़राब है। तो देखिए दोस्तों ये एक लोकल चाइना किट है, तो इसको हम दोस्तों सबसे पहले इसका जो स्पीकर वाला वायर है इसको हम डिसकनेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि इसको चेक करने में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है क्योंकि आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो स्पीकर के वायर हम इसको अलग कर देते हैं। और सबसे पहले जो हमारा बेसिक होता है ये सभी सप्लाई को चेक करना। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम इसकी सभी सप्लाई को चेक करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों इसके हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो हम मल्टीमीटर को 600 वोल्ट डीसी की रेंज पर सिलेक्ट कर दिया है और इसका जो पावर सप्लाई है प्राइमरी सेक्शन, इसके ये मेन फिल्टर कैपेसिटर है, यहाँ पर वोल्टेज चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए कितना वोल्ट आ रहा है, यहाँ पर 270 वोल्ट के करीब वोल्टेज आ रहे हैं दोस्तों। और इसका हम जो है आउटपुट वोल्टेज जो है उसको चेक कर लेते हैं, सेकेंडरी साइड में कितने वोल्ट हमें सप्लाई मिल रहा है। तो यहाँ पर हम जो ब्लैक कलर का हमारा जो वायर है मल्टीमीटर का, उसको पिक्चर ट्यूब के साथ ग्राउंड कर देते हैं या फिर पीसीबी से भी ग्राउंड करके वोल्टेज को चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको पिक्चर ट्यूब से ग्राउंड कर लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर वोल्टेज चेक करेंगे। 10 वोल्ट सप्लाई लाइन पर यहाँ पर कितना आ रहा है, 120 आ रहा है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 120 अभी स्टैंड बाई में है और ये कितना आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर देखिए -14 वोल्ट आ रहा है वर्टिकल आईसी पर, पावर सप्लाई से ही दिया गया है, ईएसटी से नहीं दिया गया है यहाँ पर। और +14 वोल्ट भी वर्टिकल आईसी पर पहुँच रहा है, पूरे वोल्टेज पहुँच रहे हैं। और यहाँ पर दोस्तों हमें 10 वोल्ट मिलना चाहिए, यहाँ पर 7.4 वोल्ट ही मिल रहा है और यहाँ पर साउंड सेक्शन को 16 वोल्ट मिल रहे हैं, ये देखिए। तो इसके सभी वोल्टेज सही हैं सिवाय इसके 7.5 वोल्टेज आ रहा है, यहाँ पर 10 वोल्ट मिलना चाहिए, क्योंकि यहीं से दोस्तों ये आगे की जो रेगुलेटर्स हैं उनको सप्लाई यहाँ से बनाना पड़ता है इस वोल्टेज को लेके। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों स्टैंड बाई जब रिलीज़ होता है तो ट्यूनर के 5 वोल्ट यहाँ पर पहुँचते हैं, वो भी नहीं पहुँच रहा है क्योंकि टीवी ऑन नहीं हो रहा है। और यहाँ पर जो सप्लाई है दोस्तों आईसी पर वो भी नहीं पहुँच रहा है। और इसके अलावा दोस्तों हम और कुछ सप्लाई यहाँ पर टेस्ट करेंगे। यहाँ पर जो रेगुलेटर, यहाँ पर रेगुलेटर जो ट्रांजिस्टर लगे हैं दोस्तों, इनकी सप्लाई भी हम चेक कर लेते हैं। तो आउटपुट में दोस्तों यहाँ पर इस वाले रेगुलेटर पे कुछ भी वोल्टेज नहीं बन रहा है, तो ये देखिए। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसका जो 7.5 वोल्ट आ रहा है उसको 10 वोल्ट बनाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों इसका जो मेन, इसका जो इस लाइन पर जो कैपेसिटर लगा हुआ है उसको चेंज करके देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ज़्यादातर वोल्टेज कम बनने का कारण इसका जो कैपेसिटर होता है वो वीक हो जाता है, ड्राई हो जाता है, इस कारण से यहाँ पर सप्लाई कम बनता है और इसमें हमिंग भी आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा डाउट इसका कैपेसिटर के ऊपर भी ही आ रहा है।
तो ये इसका कैपेसिटर है, तो इसका कितना वैल्यू है इसको हम देख लेंगे। तो इसको हम बाहर निकाल देते हैं पीसीबी से, उसके बाद इसका हम वैल्यू देखेंगे और उसकी जगह पर नया कैपेसिटर लगाएंगे। फिर हम देखते हैं दोस्तों फॉल्ट सही होता है कि नहीं होता है या आगे कुछ और भी दिक्कत है इसमें। तो ये इसका कैपेसिटर है, तो जल्दी से हम इसको बाहर निकाल देंगे। तो दोस्तों जब भी आप कैपेसिटर चेंज करते हैं दोस्तों, तो उसकी जगह पर दोस्तों आप अच्छी क्वालिटी का ही कैपेसिटर यूज़ कीजिए। तो देखिए यहाँ पर 470 माइक्रोफेरेड और 25 वोल्ट का कैपेसिटर लगा हुआ है, तो हम यहाँ पर 470 माइक्रोफेरेड 25, 35, 40 जो भी हमारे पास उपलब्ध रहेगा उसको हम लगा देंगे। तो यहाँ पर 470 माइक्रोफेरेड 35 वोल्ट का है और यहाँ पे अच्छी क्वालिटी का हमने कैपेसिटर लगा रहे हैं कैल्ट्रॉन का। तो इसका जो कैपेसिटर होता है दोस्तों बहुत ही कमाल का होता है, बहुत ही अच्छा रहता है। तो इसको हम जल्दी से लगा देते हैं और लगाने के बाद दोस्तों देखते हैं इसमें वोल्टेज सुधर रहा है कि नहीं और इसका जो हमिंग आ रहा है वो सही होता है कि नहीं होता है, इसको हम देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने कैपेसिटर को लगा दिया है और यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको क्लीन कर देते हैं और फिर से हम यहाँ पर अब वोल्टेज चेक करते हैं कि वोल्टेज यहाँ पर ठीक हुआ है कि नहीं। तो देखिए दोस्तों हम यहाँ पर वोल्टेज एक बार फिर से टेस्ट करते हैं तो कितना यहाँ पर वोल्टेज में इम्प्रूवमेंट हुआ है ये हमें पता चल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर 120 वोल्ट सप्लाई आ रहा है, वो ठीक है दोस्तों, और प्लस और माइनस 14 वोल्ट। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों बिल्कुल 10 वोल्ट बन गए हैं, पहले 7.5 वोल्ट के करीब बन रहे थे, अब 10 वोल्ट पूरे बन गए हैं। और यहाँ पर ट्यूनर पर देखिए 5 वोल्ट स्टैंड बाई के बाद रिलीज़ होता है जो सप्लाई, वो पहुँच रहा है और इसके सभी रेगुलेटर्स भी काम कर रहे हैं तभी यहाँ पर सप्लाई पहुँच रहा है। ये देखिए अब इसके हम रेगुलेटर्स के भी वोल्टेज एक बार आपको चेक करा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये देखिए ये जो रेगुलेटर है इस पर सप्लाई बन रहा है और यहाँ पर दूसरा भी रेगुलेटर है यहाँ पर भी सप्लाई बन गया है, पहले नहीं बन रहा था। तो ये जो प्रॉब्लम आ रहा था वोल्टेज का वो तो सही हो गया है, लेकिन क्या हमारा जो हमिंग का फॉल्ट आ रहा था वो सही हुआ है कि नहीं, ये पता चलेगा जब हम टीवी को हम स्पीकर इसका कनेक्ट करेंगे और ऑडियो वीडियो से इसको देके देखेंगे। तो देखिए दोस्तों टीवी को हमने ऑन कर दिया है, अब ये टीवी पहले ऑन भी नहीं हो रहा था, डिस्प्ले कुछ भी नहीं आ रहा था, वो ऑन हो गया। अब टीवी पर किसी भी प्रकार का कोई हमिंग नहीं है, ये फॉल्ट बिल्कुल 100% ठीक हो गया है। तो इस तरह से दोस्तों स्टेप बाय स्टेप आप सभी जो इम्पोर्टेंट वोल्टेज है उनको चेक करके किसी भी तरह के फॉल्ट को आप बहुत ही आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।